मेरे बापू का काम है पुड़िया बनाने का। कौन है ये? मैम ये ऑडिशन देने आई है। क्या यार मंदी, थोड़े ढंग के लोग का ऑडिशन लिया करो। हेलो मैम, मेरा नाम ऋतिका है, मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। एक्टर बनना चाहती हूँ? कहाँ से हो तुम? मैम मैं गोरखपुर से हूँ। क्या यार मंदी, आजकल छोटे शहर के लोग को भूत सवार हो गया एक्टर बनने का। हाँ मैम, मुझे बचपन से शौक था एक्टिंग करने का। मैं 5-6 साल से थिएटर एक्टिंग कर रही हूँ। ओके, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। ठीक है, शो मी योर पोर्टफोलियो ना। मैम पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो नहीं पता क्या होता है? वो क्या है ना कि हर एक्टर के लिए मैंडेटरी चीज़ है, अपना करियर शुरू करने से पहले उन्हें पोर्टफोलियो बनवाना पड़ता है। मैम आप बता दीजिए, मैं पोर्टफोलियो बना दूंगी। 40,000 का बनता है पोर्टफोलियो। है तुम्हारे पास इतने पैसे? मैम पर मैं इतने सारे पैसे लाऊंगी कहाँ से? तो ये भी मैं ही तुम्हें बताऊंगी क्या? जाओ, डोंट वेस्ट माय टाइम। हेलो, ये कैसे कपड़े पहन के रखे हैं तुमने? हाँ क्या हुआ मैम? ये कपड़े पहन के फोटोशूट करवाओगी तुम? कोई प्रॉब्लम है क्या इन कपड़ों में? लिसन, ऐसे नहीं चलता है यहाँ पर। ओके, छोटे कपड़े पहन के फोटोशूट करवाना पड़ता है, तभी तुम डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की नज़र में आओगी और तब जाके तुम्हें अच्छे रोल्स मिलने शुरू होंगे। मैम मैं इससे ज़्यादा छोटे कपड़े नहीं पहन सकती। ठीक है, तुम इससे ज़्यादा छोटे कपड़े नहीं पहन सकती तो ऐसे ही बैठी रहो, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। गेट दैट? इट्स ओके मैम, आई मैनेज दैट। ठीक है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता, करती रहो वही छोटे मोटे रोल। लीड रोल तो तुम्हें कोई भी नहीं देने वाला है इस एटीट्यूड के साथ। गेट दैट थिंग इन योर हेड। मैम आपने मेरा रोल किसी और को क्यों दिया? क्या हुआ है? मैम जब मेरा ऑडिशन ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका था तो आपने मेरे बदले किसी और को क्यों कास्ट किया? लिसन, डायरेक्टर को ना कोई और लड़की पसंद आ गई थी। नाउ डोंट ओवररिएक्ट। मैम मेरी डायरेक्टर से आज सुबह ही बात हुई एंड ही सेड कि आपने उन्हें मना किया है और किसी और को कास्ट करने के लिए आपने कहा है। तुमने डायरेक्टर को क्यों कॉल किया? मैम आप ये बताइए कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जिस लड़की को मैंने कास्ट किया है ना, वो हर्ष कपूर की बेटी है। मैम आपको भी पता है कि मेरा ऑडिशन उससे फार बेटर था। उसने मुझे पैसे दिए हैं उसे कास्ट करने के लिए। डू यू गेट दैट? मैम ऐसे तो फिर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी कभी मिल ही नहीं सकती। हाँ तो तुम्हारा ठेका लेके रखा है क्या मैंने? आई एम सॉरी बट मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। ठीक है मत कर, हजारों देखी है मैंने तेरी जैसे। चल निकल यहां से। जी सर बताइए। निशा हमें पता चला है कि तुम अपनी कास्टिंग एजेंसी में लड़कियों से जबरदस्ती पैसे लेकर काम करवाती हो। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। सॉरी निशा बट हम आपके साथ अब एक्टर्स को लेकर कोई भी डील नहीं कर सकते। अरे सर आप मेरी बात तो सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कुछ गलत खबर मिली है। सर हेलो 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 बात हुई थी ना आपकी न्यू फिल्म की कास्टिंग? नहीं नहीं हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी सर, एक बार कंसीडर तो कीजिए सर प्लीज, मुझे बहुत जरूरत है काम की। चलो ठीक है आप अभी जाओ मैं देख लूंगा। जी
मालिका जी, फिलहाल मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जिस कास्टिंग एजेंसी से मैं कास्टिंग करवा रहा हूँ वो अच्छा काम करके दे रहे हैं मेरे को। लेकिन सर आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे इस समय पैसों की बहुत ज़रूरत है, और सर आप तो इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, कुछ तो कर ही सकते होंगे ना सर। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि आपको फिलहाल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, बट मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, आई एम सॉरी। सो प्लीज सर, आप एक चांस तो देके देखिए। आई वॉन्ट, रितिका जस्ट अ सेकेंड। मैम आप यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैम मैं इस फिल्म में लीड रोल कर रही हूँ। क्या, इतने बड़े प्रोडक्शन में लीड रोल, ये तुम्हें कैसे मिला? मैम मैंने तो बस ईमानदारी से मेहनत की, शायद उसी की वजह से मुझे रोल मिला है। वेल देन आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। इतने बड़े प्रोडक्शन में लीड रोल मिलना ये कोई छोटी बात नहीं है। यस मैम, पर मैम आप यहाँ कैसे, और आपकी कास्टिंग एजेंसी कैसी चल रही है? एक्चुअली मेरी कास्टिंग एजेंसी कुछ महीने पहले बंद हो गई। पर कैसे? वो मैं लोगों से पैसे लेकर उनकी कास्टिंग करती थी, तो इसलिए मेरी एजेंसी को बंद करवा दिया गया। मैम वैसे तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए, बट आपने मेरे साथ भी तो ऐसा ही किया था ना। मुझे एक छोटे से शहर से आई हुई लड़की समझ के आपने मेरे टैलेंट को नज़रअंदाज किया, और काम मांगने पर आपने मुझसे पैसे भी मांगे। आई नो रितिका, एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। आई हैव रियलाइज्ड माई मिस्टेक, और अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इट्स ओके मैम, आई थिंक आपको आपकी गलती की सज़ा मिल चुकी। चलो तुम अपना शूट कंटिन्यू करो, मैं चलती हूँ। थैंक यू मैम। एक सेकेंड रुकिए मैम, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कास्टिंग एजेंसी फिर से स्टार्ट करें। पर ये कैसे होगा, अब तो मेरे पास बिल्कुल पैसे ही नहीं है। मैं एक प्रोड्यूसर को जानती हूँ, शायद वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। रियली? या लेकिन तुम क्यों मेरी हेल्प करना चाहती हो रितिका? मैम आई नो कि आपने ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा किया, बट आप काम तो अच्छा करते हो ना। थैंक यू सो मच रितिका, really means a lot. You're welcome. पर एक शर्त पे। कैसी शर्त? मैम आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप जो भी काम करोगे वो ईमानदारी से करोगे। कौन कहाँ से आता है, किसका क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, उस बेसिस पर उसकी कास्टिंग नहीं करोगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस, आई डू दैट। अगर आप या आपके नोन में कोई भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है तो ज्वाइन कीजिए हमारे फेसबुक और टेलीग्राम कम्युनिटी विद्स क्रिएटर्स। वहाँ पे आप कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं या अपने नॉलेज से किसी को सोल्यूशन दे सकते हैं। तो आइए एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में मदद करे। इसका डिस्क्रिप्शन कॉमेंट सेक्शन में देखें। जोर से बोलो हैप्पी न्यू ईयर।